जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज जारी है, जिसके पहले मैच में पाकिस्तान को 360 रन और दूसरे मैच में 79 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसको चलते पाकिस्तान की टीम में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। पाकिस्तान की टीम में गेंदबाजी में हसन अली की जगह टीम के युवा गेंदबाज साजिद खान को टीम में मौका मिल सकता है, वही फहीम अशरफ को भी टीम में मौका मिलने का चांस है। लेकिन पाकिस्तान की टीम की ओर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उनके जो ओपनर बैटर इमामुल हक को लेकर आ रही है। इमामुल हक को तीसरे टेस्ट से पाकिस्तान की टीम ड्रॉप करने वाली है। अब उनकी जगह पाकिस्तान की टीम में कौन सा खिलाड़ी खेलने वाला है? तो भाई मैं बता दूं कि पाकिस्तान के मतलब युवा बल्लेबाज सैम अय्यूब की टीम में वापसी होने वाली है और काफी अच्छे बैटर है, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इमामुल हक एक अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन उनका मौजूदा फॉर्म देखकर पाकिस्तान की टीम तीसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल बदलाव के साथ उतरने वाली है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की टीम में सैम अय्यूब की ओपनिंग जोड़ी जमेगी या नहीं जमेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना।